भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। पहले तो समझें कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और अवतार भगवान को लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, और दूसरा ये जाने कि अवतार में और हमारे जन्म में क्या अंतर है, क्योंकि हम भी जन्म लेते हैं, हम भी जीवन जीते हैं, हम भी एक दिन मर जाएंगे, भगवान भी जन्म लेते हैं, वो भी हमारी तरह लीला करते हैं और वे भी एक दिन अपनी इस लीला को विराम कर देते हैं। तो फिर हम में और भगवान में क्या अंतर रहा? जो काम भगवान कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो फिर हम भगवान को क्यों अवतारी कहा करते हैं कि भाई प्रभु का अवतार हुआ, भगवान राम अवतार में उत्पन्न हुए, प्रभु कृष्ण अवतार बना कर आए। फिर हम क्यों नहीं बोलते छगन लाल का अवतार हुआ, मगन लाल का अवतार हुआ, ऐसा नहीं कहते। कहते हैं क्या कि रमेश भाई का अवतार हो गया, या कभी ऐसा कहा कि उनका स्वधाम गमन हो गया, या ऐसा कहा कि उन्होंने अपनी जो अवतार लीला थी वो विराम कर दी। किसी के लिए मरने पर ऐसा करते नहीं करते ना, लेकिन भगवान की उसमें क्यों अवतार कहा जाता है? क्योंकि हम में और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है। हम वो जीव हैं जो अपने कर्म कर दिए हैं, उनके कारण हमारा अगला जन्म तय है। ये मैं आपको दो दिन पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे हमारे कार्य होते हैं, हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमारा अगला जन्म तय होता है। व्यक्ति चाहे तो अपने अगले जन्म को भी सुधार सकता है, वर्तमान को भी सुधार सकता है, वो उसके हाथ में है। तो हमारा जैसे कार्य होते हैं वैसे ही हमारा अगला जन्म होता है, लेकिन हम अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकते कि नहीं भैया हमें तो टाटा बिरला के यहाँ पैदा होना है। हो सकते हैं नहीं, अगर हम ऐसे ही, हमारी इच्छा नहीं है कि भाई जो सबसे खरबपति हो, अरबपति, करोड़पति हो, टूंडला के अंदर बाकी घर पैदा करियो भगवान, ये जबरदस्ती हम तो उनके यहाँ जाएंगे जो सबसे पैसे वाला होगा, उनके यहाँ जन्म लेंगे, तो ऐसी हमारी इच्छा चलने वाली नहीं है। भैया जैसे हमने कार्य किए, कर्म किए, वाक्य अनुरूप ही माता पिता मिलेंगे हमको, वैसे ही लोग मिलेंगे। अब ये नहीं है कि कभी अपने जीवन से दुखी हो जाओ तो सोचो अब बस ये जीवन, कभी कभी आता है ना, ऐसे भी समय आ जाता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आगे खड़ी हो जाती है कि इंसान को लगता है, कभी तो वो मुस्कुराता है, वाह मेरे से समान कोई सुखी नहीं, कोई चीज उसे मिल जाए, और कोई चीज अगर ना मिली और दुखी कर गई तो वो ही कहता है कि ये जीवन से फायदा ही नहीं है, इससे अच्छा होता ये ना होता। दुखों को देखकर, पारिवारिक परिस्थितियों को देखकर, जीवन की परिस्थितियों को देखकर कभी कभी मन में आता है कि मर जाए, ये जीवन बेकार है, कुछ नहीं है, सब दुख का भंडार है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपके इतने भर कह लेने से कि मेरी मृत्यु हो जाए, आपकी मौत नहीं आने वाली जब तक कि वहां से नहीं लिखी है। होता है ना कि कई बार लोग बड़ा प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन अगर प्रभु ने आपकी मृत्यु नहीं रखी तो भी आप बच निकलेंगे, चाहे आप सामने किसी ट्रेन के खड़े हो जाना। जिसका जितना जीवन है उतना ही वो जिएगा, चाहे उसको तड़प कर जीना पड़े, चाहे सुख से जीना पड़े अथवा दुख से जीना पड़े। तो हमारे जन्म में इच्छा नहीं है, हमारी मृत्यु भी इच्छा से नहीं हो सकती, लेकिन भगवान के ये अवतार और जीवन का विश्राम अपनी इच्छा से होता है। जब वे आते हैं तो शास्त्रों में पहले ही लिख दिया जाता है या पहले ही उद्घोषणा हो जाती है, जब पृथ्वी बार बार भगवान के पास जाती है अवतारों के समय कि प्रभु अब आइए, बहुत अधर्म बढ़ गया, आप धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, मुझ पर बहुत अधर्म हो रहा है, अब आप अवतार लेकर आए। तो फिर क्या होता है, भगवान पहले से बता देते दशरथ के यहाँ पैदा होने वाला हूँ, या वसुदेव के घर में पैदा होने वाला हूँ, वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषा परह, मैं आ रहा हूँ वसुदेव के घर,
कब कह दिया था? जब देवकी का बिचारी का जन्म भी नहीं हुआ था तब कह दिया था महाराज कि तुम सब देवता जाकर के जन्म लो, मेरा अवतार होने वाला है। और जब लीला को विराम करना होता है तब प्रभु जब मन में ठान ले कि अब लीला विराम, उसी समय लीला विराम हो जाती है, विश्राम कर जाती है। हम जो जीवन जीते इसमें हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि चाहते तो हम बहुत कुछ है लेकिन वो चाहना सारा का सारा हमारा पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ कर्म शक्ति का बड़ा प्रबलता है कि आप जो कार्य करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, ये प्रकृति आपका सहयोग देती है यदि आपका विचार किसी एक लक्ष्य पर हो।